Hey, what is up guys? कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना गाइस। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका भाई अमरजीत और आप देख रहे हैं अमरजीत द टोटो ब्लॉगर। तो गाइस आज कहाँ आए, आज एक नई वीडियो लेकर आए आप लोगों को लाइन्स क्लब में। लाइन्स क्लब में एक प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि हम लोगों का हिंदू नववर्ष का आज नया साल है, उसके उपलक्ष्य में श्री राम सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है। कैसे तैयारी हो रही है, क्या हो रही है, सब कुछ आपको लेके जाएंगे, अंदर दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसी तैयारी हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे राम भक्त लोग, जय श्री राम भैया, यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहनें भी यहाँ पे रंगोली बना रही हैं। जय श्री राम भैया। तो देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से चल रही है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये बिहाइंड द सीन होता है, देख सकते हैं आप लोग मेहनत कितना किया जा रहा है, धूप में पसीना बहा के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहनें यहाँ पे रंगोली बना रही हैं। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दीप का रंगोली है ना, ये दिया बनाया जा रहा है। और शाम में जो यहाँ का जो माहौल होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, देख सकते हैं वहाँ पे मैंने स्पॉट किया है गुलुदा को, गुलुदा भी यहाँ पे आए हुए रंगोली बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। सो गाइस अभी जो आप देखने वाले हैं आपके आंखों को विश्वास नहीं होगा। ओ माय गॉड, सो गाइस देख सकते हैं ये इतनी बड़ी रंगोली और यहाँ गुलुदा। जय श्री राम। यहाँ पे सारे भाई लोग जो है राम भक्त सारे मेहनत कर रहे हैं। ये बिहाइंड द सीन है, मतलब आप लोग तो जो वीडियो देखते हैं उसमें आप देखते होंगे कि कैसे, मतलब बिहाइंड द सीन कितना मेहनत किया जाता है, ये आप यहाँ पे देखिए सब लोग। सो गाइस एक गड़बड़ हो गई है और रंगोली में पानी आ गया है, सभी लोग उसको हटाने के लिए इधर उधर कर रहे हैं। रंग मैं इधर दिखा दूँ थोड़ा आपको, अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे दो भाई जो है दिया को साफ कर रहे हैं, शाम में जो दीप जलाया जाएगा उसको साफ किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी संख्या में और भी दीप होंगे भाई। तो क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पे बताओ कुछ, क्या प्रोग्राम है यहाँ? पूजा होगा, फिर दिया जलेगा, दीप जलाया जाएगा, पूजा होगा और उसके बाद रंगोली बनाया जा रहा है। तो ये मतलब श्री राम सेवा संघ के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। सो गाइस ये श्री राम सेवा संघ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तो आपका दिन का शॉट है, लेकिन जब मैं आपको शाम का शॉट दिखाऊंगा तो आप देख के अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे जो रंगोली बन रही है, बहुत बड़ा रंगोली बन रहा है, अंदर भी रंगोली बन रहा है, उस साइड पूरे प्रांगण में दुर्गा मंदिर लाइन्स क्लब के प्रांगण में बहुत अच्छा रंगोली बन रहा है। शाम में दीप जलाने का भी आयोजन किया जाएगा एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गाइस। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। सो गाइस सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ गाइस आते रहेंगे, धमाकेदार वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस ये दिन का कुछ शॉट था जो मैं लेने के लिए स्पेशली यहाँ आया हुआ था एंड मुझे राणा भैया की तरफ से स्पेशली इनवाइट किया गया है आके शूट करने के लिए। एंड शाम में जो है इसका पूरा जो ये अभी एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कह सकते हैं तो अभी एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन फाइनलाइजेशन जो है हमें शाम में देखने को मिलेगा। और शाम में जो देखने को मिलेगा गाइस वो आप मिस मत करना। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यही कहना चाहूँगा, दिल से एक बार बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहनें जो है यहाँ पे रंगोली बना रही हैं, बहुत मेहनत कर रही है धूप में। आइए जानते हैं इनसे कितने देर से ये रंगोली बना रही है। तो सिस्टर कितने देर से रंगोली बना रहे हो आप?
11 बजे से मेहनत कर रही है ये रंगोली बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सब 11 बजे से। तो गाइस कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, राम भक्त जो भैया थे वो मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए कि अभी डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम बचा हुआ है। तो मैंने उन्हें समझाया कि मतलब बिहाइंड द सीन जो मेहनत होता है ना वो दिखना चाहिए आदमी को। जैसे कि हम लोग जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, जो अभी हम कर रहे हैं खाना पीना छोड़ के वीडियो बनाने के लिए आ गए गाइस, ठीक है। तो वो मेहनत दिखना चाहिए लोगों को। तो आप लोग भी एक सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करो। तो गाइस ये व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग मैंने ये बनाया आपको दिखाने के लिए कि ये तैयारियां चल रही हैं एंड इसका जो पूरा सिनेमेटिक वीडियो होगा वो मेरे चैनल पे ही अपलोड होगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सिनेमेटिक वीडियो का वेट कीजिए क्योंकि सिनेमेटिक वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्रॉमिस है आपसे। आज 22 तारीख है, 24 तारीख को इसका सिनेमेटिक वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाया था। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।